हमारे पास बच्चे अब जो टॉपिक आता है वो है एम्पियर सर्किटल लॉ। एम्पियर सर्किटल लॉ बेसिकली क्या है? इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिटिविटी टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द सर्फेस इनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ। समझ में नहीं आया होगा, अभी मैं समझा देता हूँ। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। एम्पियर सर्किटल लॉ का इंट्रोडक्शन एक तरह से जैसे इलेक्ट्रोस्टैट के अंदर हमने गॉस थ्योरम में किया था। गॉस थ्योरम याद है? ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, है ना? दैट मीन्स द टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टाइम्स द एरिया, ई डॉट डी एस यही था। इट इज इक्वल टू 1 बाई एप्सिलॉन नॉट टाइम्स द चार्ज। ये गॉस थ्योरम था। इसी गॉस थ्योरम को अगर मैं मैग्नेटिज्म के अंदर लेके आ रहा हूँ, वो ऑब्वियसली मैग्नेटिज्म के अंदर गॉस थ्योरम अलग होती है, लेकिन उसी का रेप्लिका, एक तरह से उसी तरीके की इंपॉर्टेंस, उसी तरीके के कंसेप्ट को समझाने के लिए जो यूज होता है वो एम्पियर सर्किटल लॉ यूज होता है। एम्पियर सर्किटल लॉ ने बोला क्या है, साथ साथ में चलेंगे। इट स्टेट्स दैट द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड बी अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ। लाइन इंटीग्रल सिंपल समझ में आ रहा है, हम इंटीग्रेशन का साइन जब इस तरीके से लगा देते हैं, है ना, ये जो गोले के साथ लगाते हैं, ये बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये लाइन इंटीग्रल है। तो ये लाइन इंटीग्रल किसके लिए यूज करते हैं? क्लोज लूप के लिए। तो हम बात कर रहे हैं कि लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। फ्री स्पेस का लॉजिक ही है, फ्री स्पेस का मतलब कोई मीडियम नहीं है, मीडियम नहीं है तो हम एब्सोल्यूट परमेबिलिटी यूज कर सकते हैं, विच इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू द सरफेस enclosed by the closed path. समझ में आई? That is B dot dl is equal to mu not I. समझ में आया? जैसे E dot ds is equal to Q by epsilon not था, यहाँ B dot dl is equal to mu not I आ जाता है। समझ में आ गया? ये तो सीधा याद रखना है बस, बल्कि हमने अभी समझा तो है ही नहीं। मेन इन्होंने बोला है कि it states that line integral of magnetic field around the closed loop. किसी एक क्लोज लूप के अराउंड जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट फ्लोइंग थ्रू दैट सर्किट। सिंपल कहानी, ठीक बात है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। अब ये हमारा नया टॉपिक आ गया। अब ध्यान से देखो, क्या ये टॉपिक नया है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट, ये तो हमने पहले डिराइव किया था, याद है? हमने डेरिवेशन करी थी जिसके अंदर फाई वन और फाई टू अज्यूम करके और उसके साथ हमने फाई की टर्म्स में सब कुछ को रिलेट किया था, और उसके बाद से हमने बायट-सेविट लॉ से होते हुए एक लॉन्ग इनफाइनाइट स्ट्रेट कैरिंग करंट, करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाल दी थी। जब वो निकाली थी तो ये टॉपिक फिर से क्यों आया? क्योंकि अब हम उसी डेरिवेशन को एम्पियर सर्किटल लॉ से करेंगे, और इससे ये डेरिवेशन कंपैरेटिवली थोड़ी छोटी हो जाती है, तुम लेंथ देख के समझ सकते हो, उसमें हमने बहुत मेहनत करी थी, ठीक है? तो यूजिंग एम्पियर सर्किटल लॉ अब इसको डिराइव करेंगे। सेम देखो, सब कुछ करके आ रहे हैं। पहले लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लाइंग इन अ प्लेन ऑफ पेपर, लेट आई बी द करंट फ्लोइंग थ्रू इट फ्रॉम एक्स टू वाई। क्या बोला मैंने? ये हमारे पास एक कंडक्टर है बच्चा, इस कंडक्टर के अंदर एक्स से होते हुए वाई तक करंट जा रही है, नीचे से ऊपर की तरफ करंट फ्लो कर रही है। ये क्लियर है? यहां से नीचे से करंट होते हुए ऊपर की तरफ फ्लो कर रही है। अब हमें एक और चीज पता है कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आती है ना? करंट कैरिंग कंडक्टर है, अगर थंब रिप्रेजेंट कर रहे हैं डायरेक्शन ऑफ करंट को, तो ये कर्लिंग फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और एक सर्टेन रेडियस पे, अगर मान लेते हैं कि आर डिस्टेंस है जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है इस कंडक्टर से, तो वहां पर मैं एक एम्पीरियन लूप बना रहा हूं, जैसे हम गॉसियन सरफेस बनाते थे। अगर मतलब इन जनरल समझो तो गॉस थ्योरम का कोई लेना देना नहीं है। मैं बार बार रिलेट क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि उस तरह की चीजें हम यहाँ पे यूज करेंगे। हम क्या करते थे, हम गॉस थ्योरम में क्या करते थे, गॉसियन सरफेस अज्यूम करते थे। यहाँ पे हमने एक एम्पीरियन लूप अज्यूम कर लिया, ठीक है? कितने रेडियस पे, जितने डिस्टेंस पर, वो लूप का रेडियस कितना है, जितने डिस्टेंस पर मुझे इस कंडक्टर से मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी। तो हमने क्या किया, लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर इन अ प्लेन ऑफ पेपर, लेट आई बी द करंट थ्रू इट, लेट, अब यहां पे इस पे ध्यान देना क्या है यहां पे, लेट पी बी अ पॉइंट एट अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर फ्रॉम द स्ट्रेट वायर एंड बी बी द मैग्नेटिक फील्ड एट पी। ये समझ में आ गया? हमने क्या किया है, हमने बात करी है कि भाई हमारे पास अगर मैग्नेटिक फील्ड यहां पर मुझे निकालनी है, तो इस वाले लूप के लिए मैं आर रेडियस के हिसाब से पी पॉइंट पर पहुंच गया। देन पी एक पॉइंट है जो कि आर के परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे कंडक्टर से है। Done. अब हमने यहां पे क्या अज्यूम कर लिया, लेट अस कंसीडर, अब देखो बच्चा यहां हमने क्या किया है,
लेट अस कंसीडर एन एम्पिरियन लूप एज अ सर्कल ऑफ रेडियस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर विद सेंटर ऑन द वायर सच दैट पी लाइज ऑन द लूप। समझ में आया? किसी बच्चे को इसको इमेजिन करने में दिक्कत आ रही है, पता चल गया? मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ जिसको थोड़ा भी डाउट है। बच्चे ये हमारे पास कंडक्टर है, मान लो इस कंडक्टर के अंदर नीचे से होते हुए ऊपर करंट जा रही है, अब मुझे इस किसी पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है इस कंडक्टर की वजह से। तो जिस पॉइंट पे निकालनी है वहां से एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया, उस परपेंडिकुलर डिस्टेंस का नाम क्या रख दिया? आर। आर का रेडियस लेके इसके आसपास एक लूप बना दिया हमने। वो है नहीं वहां पे, कोई कंडक्टर नहीं है, वो लूप एक इमेजिनरी लूप है जिसको हम एम्पिरियन लूप कहते हैं। तो उस डिस्टेंस को रेडियस बनाकर उतना एक लूप बना दिया हमने, एंड उस एम्पिरियन लूप के हिसाब से हम यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अब निकालने वाले हैं। क्लियर बात है ये? तो लेट, जब हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हैं तो हमें एक चीज तो क्लियर है कि अगर ये कंडक्टर ऐसे है तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे जा रही है? अगर यहाँ बी है तो इसके बिल्कुल टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाएगी, है ना? किसी एक सर्टेन पॉइंट पे हमेशा टेंजेंशियल डायरेक्शन में जाती है मैग्नेटिक फील्ड। तो जब टेंजेंशियल डायरेक्शन में जा रही है, हमने क्या करा यहाँ पे, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या टेंजेंट डायरेक्शन में गई भी, यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लिया जिसकी लेंथ क्या है, डीएल, ठीक है, स्मॉल लेंथ मान लिया डीएल। तो अब हमारे पास बी डी एल, बी एंड डी एल आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, स्मॉल लेंथ और वो, क्योंकि टेंजेंशियल डायरेक्शन में अगर जो मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, लेंथ वेक्टर की तरह भी बात करें वो भी सेम डायरेक्शन में जाएगा। दोनों की अगर डायरेक्शन सेम आ गई है तो बी डॉट डी एल, डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो क्या आएगा, बी डी एल कॉस जीरो, क्योंकि डी एल और बी के बीच में एंगल जीरो आ गया। तो बी बाहर निकाला, डी एल का हमने क्या किया, इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रल है, डी एल का इंटीग्रेशन क्या आएगा, पूरा 2 पाई आर सर्कमफ्रेंस बन गया। वायर के ऊपर नहीं लिया लेंथ हमने, हमने लेंथ किसके लिए लिया, एम्पिरियन लूप के लिए लेंथ, क्योंकि देखो वायर तो इनफाइनाइट लेंथ है, उसकी लेंथ लोगे भी क्या, हमने यहां पर एम्पिरियन लूप के लिए लिया है जिसका रेडियस आर था। तो डीएल उसी एम्पिरियन लूप का स्मॉल एलिमेंट, स्मॉल लेंथ लिया डीएल, उसको इंटीग्रेट करेंगे तो ऑब्वियसली उस लूप का सर्कमफ्रेंस आ जाएगा, तो वो सर्कमफ्रेंस आ गया 2 पाई आर। अब एज पर एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या पता है, बी डॉट डी एल मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, यही था एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, यही था ना एम्पियर सर्किटल लॉ, दैट प्रोडक्ट ऑफ, या ये कहो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द करंट। तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, और बी डॉट डी एल की ही वैल्यू बी इंटू 2 पाई आर लिखी थी हमने, इट मस्ट बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, तो बी की वैल्यू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर बनी कि नहीं, या बी इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर, यही हमने ऑलरेडी पहले डिराइव किया था याद हो, है ना? लेकिन हमने वहां पे फाइव वन और फाइव टू की टर्म्स में किया था, और जब हमने फाइव वन और फाइव टू को, हमने ये कहा था कि अगर जो क्लोज है कोई स्पेशल केसेस बनाए थे तो हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला निकाला था लास्ट में आते आते। क्लियर है? अगर तुमसे मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ कंडक्टर पूछा जाए तो ये वाला भी कर सकते हैं, वो वाला भी कर सकते हैं, वो वाला ज्यादा बेटर रहता है क्योंकि वो थोड़ा डिटेल्ड है और उसके अंदर हम स्पेशल केसेस के थ्रू होते हुए यहां तक पहुंच सकते हैं, पर इसको भी करोगे तो ये गलत नहीं है। बात समझ में आ गई? क्लियर है बच्चा? किसी को दिक्कत तो नहीं है इसमें? ईजी था? चलो अब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। अब हम बात किसकी कर रहे हैं बच्चा? लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर की। अब एक जो सर्कुलर सिलेंडर, वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर जो है हमारे पास, ऐसा कुछ, अब इनफाइनाइट लेंथ का ये सिलेंडर, अब इसके अंदर बाहर या सरफेस तीन पॉइंट आ सकते हैं। अगर हमारे पास सिलेंडर लेते हैं तो सिलेंडर के अंदर तीन पॉइंट आएंगे, एक इन द सिलेंडर, एक ऑन द सिलेंडर और एक आउटसाइड द सिलेंडर। तो तीनों केसेस को हम कंसीडर करते हैं, और तीनों केसेस के लिए करेंगे क्या, एग्जैक्टली वायर, लेकिन जूम्ड व्यू में देखोगे तो वायर भी तो एक सिलेंडर था ना। वायर में हमने क्या किया था, हमने उसके सरफेस की बात नहीं करी, वायर में हमने सिर्फ क्या बात करी थी, एक लेंथ की, और करंट के डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं करी थी। वायर हम कैसे एक लाइन की तरह ट्रीट करते हैं, लेकिन जैसे ही हम उसे सिलेंडर बना देते हैं तो सिलेंडर में क्या फर्क आ जाता है बच्चे, जो करंट जाती है वो करंट सरफेस के ऊपर फ्लो होकर जानी शुरू हो जाती है, वॉल्यूम के अंदर से फ्लो होकर जानी शुरू हो जाती है, करंट की डिस्ट्रीब्यूशन हो गई है। तो वहां पे अब डी आई का भी कंसेप्ट आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अभी करते हैं तो पता चल जाएगा। लेट अस कंसीडर एन इनफाइनाइट लॉन्ग सिलेंडर ऑफ रेडियस आर विद द एक्स 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 वाई, लेट आई बी द करंट पासिंग थ्रू द सिलेंडर। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल है, सिलेंडर है, वही अपना कंडक्टर है जिसके अंदर से करंट जा रही थी। अब पहला केस, पॉइंट पी
इज लाइंग आउटसाइड द सिलेंडर। हमने पहला केस क्या लिया है कि जो हमारा पॉइंट है जहां पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उसके लिए वो जो पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है बेटा, आउटसाइड द सिलेंडर। ठीक है, हमारे पास वो जो लाई कर रहा है वो यहां पे है ये, ठीक है। और ये जो लूप बनाया, ये क्या बनाया मैंने, एम्पीरियन लूप। अब एम्पीरियन लूप में क्या होता है कि इमेजिनरी लूप बनाते हैं जिस पॉइंट पर मुझे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी थी, तो आउटसाइड द सिलेंडर था, इसका हमने रेडियस कितना लिया सेंटर लाइन से आर, ठीक है। यहां पर ये जो स्मॉल आर है ये क्या है बच्चा, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर। कैपिटल आर क्या था, इट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर, तो जो रेडियस से बड़ा है तभी वो बाहर पहुंच पाए हैं, और वहां पर हमने एक एम्पीरियन लूप अज्यूम कर लिया। किसी को परेशान, ठीक है अक्षर, पता चल रहा है हम क्या बात कर रहे हैं, आ रहा बच्चा, ठीक है। तो देखो बेटा हमने क्या किया, मेरी बात सुनो, साथ साथ में रहेंगे, एक बारी समझना। यहां पे हम बात क्या कर रहे हैं एक बारी समझो, हमारे पास एक सिलेंडर है जिसका रेडियस क्या है आर, इनफाइनाइट लेंथ है, इसलिए लेंथ की तो हम अभी बात करेंगे ही नहीं इसकी, ठीक है। ये हमारे पास रेडियस कितना, कैपिटल आर, डन है। अब मेरे को इसके अंदर से फ्लो कर रही है, करंट फ्लो कर रही है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये हमने सेंटर लाइन ले ली और यहां से होते हुए करंट ऊपर तक जा रही है, पूरे सरफेस पे से जा रही होगी किसी तरीके से, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन जब हम पॉइंट पी बाहर की बात कर रहे हैं तो बाहर के टाइम पे मुझे करंट के डिस्ट्रीब्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि टोटल करंट अल्टीमेटली पूरे सिलेंडर में से जा ही रही है। तो इस सेंटर पॉइंट से ये जो पी पॉइंट है इसका रेडियस कितना मान लिया हमने आर, डन, आउटसाइड द सिलेंडर है। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक इमेजिनरी, जैसा अभी हमने पिछली डेरिवेशन में किया था, क्या करते हैं, एम्पियर लूप बना लेते हैं, एम्पीरियन लूप, देन हाँ वायर की तरह ट्रीट करेंगे, बिल्कुल सेम रिजल्ट आएगा जैसे अभी हमने पिछले डेरिवेशन में निकाला था, ठीक है। वायर की तरह ट्रीट करते हुए यहां पर अगर तुम देखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कहां आएगी, सेम वैसी इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड आ गई, और इसी डायरेक्शन में ये जो छोटा सा लेंथ हम मान लेते हैं डीएल, ये आ गया। तो इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो हमें क्या पता है, बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, जो अभी हमने किया था। और जब मैं बी को बाहर निकाल के डी के डीएल का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो ये म्यू नॉट आई के इक्वल आके बी टाइम्स टू पाई आर, ये बिल्कुल सेम डेरिवेशन है जो अभी हमने की थी। तो बी की वैल्यू म्यू नॉट बाई टू पाई आई बाई आर आ गई, या यहाँ पे फोर और टू कर देते हैं, ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं, बिल्कुल सेम है जो अभी डेरिवेशन करी थी, हाँ जी, है ना। और यहां से हमें एक चीज साफ दिख रही है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द सिलेंडर इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, जितना दूर जाते जाओगे उतना मैग्नेटिक फील्ड वीक होती जाएगी, पहला पार्ट। अब दूसरा पार्ट है व्हेन पी इज लाइंग इनसाइड द सिलेंडर। अब इनसाइड द सिलेंडर कहां आएगा, यहां कहीं पे, मैं भी मिटा दूं ये वाला पार्ट, है ना। ये देखो अब हम क्या बात कर रहे हैं, इनसाइड द सिलेंडर। जब मैं इनसाइड द सिलेंडर की बात कर रहा हूं तो इनसाइड द सिलेंडर के लिए यहां कहीं पॉइंट पी है और इसका रेडियस आ गया ये स्मॉल आर। अब ये स्मॉल आर अगर आ गया है तो इसके लिए जो मेरे पास एम्पीरियन लूप बनेगा वो भी ऐसा छोटा बन जाएगा, बना कि नहीं। अब यहां एक डिफरेंस आ गया बच्चे, जब मैं इसकी बात कर रहा हूं तो इसमें से सारी करंट नहीं जा रही। अब जब हमने बाहर वाले पॉइंट के लिए करंट अज्यूम करी थी ना, जो म्यू नॉट आई लिखा था, तो पूरे कंडक्टर से जाने वाली करंट का इन्फ्लुएंस था। लेकिन जब हम अंदर की बात कर रहे हैं तो अंदर की तरफ सिर्फ इतने ही सिलेंडर, स्मॉल आर वाले रेडियस वाले सिलेंडर के अंदर से जो करंट जा रही है उसी का फर्क पड़ेगा सिर्फ, है ना, क्योंकि करंट ओवरऑल पूरे इस क्रॉस सेक्शन में से फ्लो कर रही थी। मैं अगर इसके बीच का छोटे हिस्से का क्रॉस सेक्शन ले लूंगा तो छोटे हिस्से की ही करंट काम करेगी यहां पे। तो इसके अंदर से अब जो करंट जाएगी उसको मान लेते हैं I डैश, डन है, ये बात समझ में आया। I डैश का कंसेप्ट पता चल रहा है बच्चे क्या हुआ। अब I डैश के कंसेप्ट के लिए पहले फॉर्मूला सारा कुछ सेम, लेकिन एक फर्क आएगा, बी डॉट डी एल जो एम्पियर सर्किटल लॉ था, एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या था, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट की जगह पहली बात तो म्यू आएगा और आई की जगह आई डैश आएगा। नॉट क्यों नहीं आया, क्योंकि अब यहां पर स्पेस नहीं है, एम्प्टी स्पेस नहीं है, एयर नहीं है, यहां पे एक मीडियम है बीच में जो अपने पास ये कंडक्टर का मीडियम होगा, इसलिए म्यू नॉट की जगह म्यू आ गया। एब्सोल्यूट परमेबिलिटी के लिए की जगह हमने क्या लिया, जो अपना मटेरियल है उसकी परमेबिलिटी आ गई, और आई डैश क्या आ गया, जो करंट जो सिर्फ इतने रेड वाले पार्ट के बीच में से फ्लो करेगी।
अब आई डैश कितनी निकलेगी, देखो जरा हमारे पास यूनिटरी मेथड निकालते हैं आई डैश निकालने के लिए, आई करंट फ्लो कर रही थी पाई आर स्क्वायर में से, है ना, पूरे इस क्रॉस सेक्शन में से हमारे पास टोटल करंट फ्लो कर रही थी, डन। आई डैश कितने में से फ्लो कर रही है, पाई आर स्क्वायर में से, है कि नहीं, जो छोटे वाला रेडियस है उसके अक्रॉस। तो आई डैश की वैल्यू निकालो, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या आपस में डिवाइड कर दो, है ना, कर लो। आई डैश बाय आई इज इक्वल टू क्या निकला, आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, और आई डैश इज इक्वल टू आई टाइम्स आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, निकला कि नहीं, डन है ये, किसी बच्चे को इसमें परेशानी, ठीक है। अब ये वैल्यू मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, और ये जो म्यू है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर, है ना, म्यू की वैल्यू यही होती थी, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर, ये सारी वैल्यूज लिखो और बी डॉट डी एल की जगह क्या लगेगा, टू पाई आर हो जाएगा, करो कैसे, म्यू नॉट टाइम म्यू आर। बच्चा ये जो परमिटिविटी होती है इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एब्सोल्यूट परमिटिविटी और रिलेटिव परमिटिविटी का प्रोडक्ट जो आएगा, डन है, परमिटिविटी, परमिटिविटी तो एप्सिलॉन नॉट में थी, ठीक है। तो ये परमिबिलिटी जो हमारे पास आई है ये क्या रहेगी, ये परमिबिलिटी इज इक्वल टू एब्सोल्यूट परमिबिलिटी इनटू रिलेटिव परमिबिलिटी, डन है बच्चा, करो इसे। तो जब अब हम यही सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास क्या आया, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आर टाइम्स म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आर, है ना, म्यू नॉट टाइम्स म्यू आर इंटू आई डैश, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो गई अपने यहाँ पे, इसकी बी बाहर आएगा, डी एल का सब्सटीट्यूशन से क्या होएगा, सर्कमफ्रांस आ गया टू पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट म्यू आर टाइम्स आई आर स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, जो अभी हमने आई की वैल्यू निकाली थी, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करा, रीअरेंज किया, तो कर करा के हमारे पास आर से आर स्क्वायर कट गया और हमारा जो आंसर आया म्यू नॉट म्यू आर आई आर अपॉन टू पाई कैपिटल आर का स्क्वायर, ये रिजल्ट आ गया। यहाँ से क्या पता चला, जो मैग्नेटिक फील्ड है इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, तो अंदर जब तक रहेंगे तो क्या रहेगा, रेडियस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाहर गए थे तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था। अब ऑन सरफेस क्या आएगा, ऑन सरफेस भी सेम रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन इज मैक्सिमम फॉर द पॉइंट व्हेन इट इज ऑन द सरफेस ऑफ द सिलेंडर, क्योंकि आर जो है ये आर की वैल्यू है वो मैक्सिमम कब होगी, जब वो बिल्कुल सरफेस पे पहुंच जाएगा अपने सिलेंडर के, है ना, ये जो आर डिस्टेंस है ये बढ़ता 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 यहां तक मैक्सिमम आएगा, इसके बाद तो इनवर्स रिलेशन शुरू हो जाएगा। तो हमारे पास जो अब इसका ग्राफ बनेगा वो इस टाइप का बनेगा, हॉलो सिलेंडर है तो अंदर कुछ नहीं था, कोई करंट ही नहीं फ्लो कर रही थी, सिर्फ सरफेस पे थी, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो थी इस पॉइंट पे मैक्सिमम, बाहर इनवर्सली रिलेटेड। और अगर सॉलिड है जैसा अभी हमने डिस्कस किया था, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, सरफेस पे मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड और फिर उसके बाद इनवर्सली रिलेटेड टू रेडियस, समझ में आइए, रेडियस का हुआ डिस्टेंस फ्रॉम दी बेसिकली सिलेंडर कहेंगे उसे, डन है, पता चला क्या चीज, हाँ ये वाला नोट डाउन कर लो बच्चा, ये वाला पूरा ये ग्राफ बनाओ। अब हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चे सोलेनॉइड, ठीक है, ये पिछले टॉपिक के न्यूमेरिकल्स कवर होने के बाद हमारे पास जो सोलेनॉइड का टॉपिक है, सोलेनॉइड सबको पता है, हमने छोटी क्लास में सो-कॉल्ड 10th क्लास के अंदर सोलेनॉइड समझा हुआ है होता क्या है। सोलेनॉइड के अंदर है क्या, एक सिंपल वायर है, अगर हम मतलब बात करें सबको पता ही है कैसा सा होता है सोलेनॉइड, देखा हुआ, अगर मैं ये कॉयल बना रहा हूँ, ये हमारे पास क्या बनाया मैंने इस केबल से कॉयल, अगर इसी को हम लंबा कर दें, लंबा कैसे कर दें, जिसके अंदर नंबर ऑफ टर्न स्ट्रेट डायरेक्शन में इतने ज्यादा कर दें कि रेडियस के कंपैरेटिवली लेंथ ज्यादा हो जाए, तो उसको हम क्या कह देते हैं, सोलेनॉइड। तो कॉयल और सोलेनॉइड में कुछ और डिफरेंस नहीं है, कॉयल सिर्फ क्या होता है, जिसका रेडियस ज्यादा बड़ा होता है, सोलेनॉइड वो होता है जिसका रेडियस के कंपैरेटिवली लेंथ ज्यादा लंबी हो जाती है। अब है तो कहानी सेम ही, कॉयल के अंदर से अगर जो करंट फ्लो कर रही थी तो मैग्नेटिक फील्ड आ रहा था, सोलेनॉइड के अंदर से भी अगर जो करंट फ्लो करेगी तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा। अब इतने सारे टर्न्स अगर एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाते जा रहे हैं तो सारों का मैग्नीट्यूड एड ऑन होके वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा, यही हमारे सोलेनॉइड का प्रिंसिपल है। तो यहाँ पर अ सोलेनॉइड होता क्या, देखो अ सोलेनॉइड कंसिस्ट ऑफ एन इंसुलेटिंग लॉन्ग वायर क्लोजली वाउंड इन अ फॉर्म ऑफ अ हेलिक्स, इट्स लेंथ इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू इट्स डायमीटर, लेट एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड एंड आई बी द करेंट फ्लोइंग थ्रू द सोलेनॉइड, एन क्या है नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अब ये जो सोलेनॉइड है ये हमने किस तरीके से बना रखा है मैंने इसका, यही कि भाई एक तरफ से कॉयल अंदर गई और एक तरफ से बाहर निकली, ये क्रॉस और डॉट यही रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, क्रॉस और डॉट, क्रॉस का मतलब क्या है कि वायर अंदर गई और उधर से घूम के बाहर आ गई, इस तरीके से इसके आसपास वायर
कॉन्टिन्यूसली घूमती जा रही है, डन है। अब अगर इस तरीके से वायर घूम रही है, मतलब अंदर गई और ऐसे आई और करंट भी इसी तरीके से जा रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड सबकी एड ऑन होकर इस तरफ आ गई, ये हमारे पास राइट हैंड थंब रूल के हिसाब से मिल गई हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। अब मुझे निकालना क्या है, हमें निकालना है मैग्नेटिक फील्ड इस सोलेनोइड की वजह से। अब जब मैं इस सोलेनोइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा, ये हमने 10th क्लास में ही पढ़ लिया था, सोलेनोइड है मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा ही करेगा, जो कि इस तरीके से ओवरऑल उसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जाने वाली हैं। अब ये होंगी कैसे, देखो लेट अस कंसीडर अ रेक्टेंगुलर एम्पिरियन लूप। अब इस पॉइंट पे ध्यान देना, यहां पर इस सोलेनोइड के थ्रू एक इमेजिनरी एम्पिरियन लूप हमने ये जो पी क्यू आर एस है इसको डाल दिया। इमेजिन क्या किया कि पी क्यू आर एस एक एम्पिरियन लूप है। अब इस एम्पिरियन लूप के अंदर अगर तुम नोटिस करो तो इसकी जो लेंथ है कितने पी क्यू एल आ गया, लेकिन यहाँ पे चार अलग अलग लेंथ है। कौन कौन सी लेंथ है, एक हमारे पास ये वाली, एक ये वाली, जो दोनों की दोनों ये लेंथ है हमारे पास, इन दोनों लेंथ पे अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ बात करूं तो एंगल 90 है। बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल कॉस 90, जब डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो कॉस 90 कॉस 90 जीरो, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का कंसेप्ट ही खत्म है। यहां वाले में ये बिल्कुल बाहर है ना, ये तो क्या हुआ इस करंट वाले जो पार्ट के, ये वाली लेंथ तो वैसे ही बाहर है, तो वहां पे कोई लेना देना नहीं मैग्नेटिक फील्ड का, तो बचा कुचा जो भी हुआ वो पी क्यू के अलॉन्ग निकलेगा। तो इन पूरे चार साइड्स में से सिर्फ पी क्यू के अक्रॉस है जो हमें नेट मैग्नेटिक फील्ड की आउटपुट देने वाला है। तो देखो जरा, लेट मैग्नेटिक फील्ड अलॉन्ग द पाथ पी क्यू बी बी एंड फील्ड अलॉन्ग आर एस एस जीरो। ये बात समझ में आई, ये आर एस के अक्रॉस हमारे पास क्या आ गई है, जीरो इस वाले के अलॉन्ग, और जो पी क्यू के अलॉन्ग आएगा उसके अलॉन्ग हमने मैग्नेटिक फील्ड मान ली है बी। ये पता चला आर एस के अलॉन्ग जीरो क्यों, क्योंकि आर एस जो है वो एम्पिरियन लूप का वो वाला हिस्सा जिसके अंदर कहीं करंट ही नहीं जा रही है, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, आई ही जीरो है तो बी अपने आप जीरो हो गया। नाउ क्यू आर एंड एस पी, क्यू आर और एस पी कौन कौन से हैं बच्चा, ये जो परपेंडिकुलर वाले फेसेस हैं, ये वाली जो लेंथ है, सॉरी फेसेस कह रहा हूँ, जो परपेंडिकुलर लेंथ है, परपेंडिकुलर है तो इनके अलॉन्ग भी डॉट प्रोडक्ट खुलेगा तो कॉस 90 जीरो हो जाएगा। तो हमारे पास क्यू आर एंड एस पी आर परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ सोलेनोइड एंड द मैग्नेटिक फील्ड कॉम्पोनेंट अलॉन्ग दीज पाथ इज जीरो विद डॉट प्रोडक्ट की वजह से। ये बात समझ में आया, तो हमारे पास स्क्वेयर के एम्पीरियन लूप जो स्क्वेयर शेप में माना था उसमें से तीन साइड्स के अलॉन्ग तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गई। तो हमारे पास जो बी डॉट डी एल अलॉन्ग पी क्यू आर एस है वो बचा कुचा सिर्फ बी डॉट डी एल के अक्रॉस बचा के नहीं, बाकी तो सब के अक्रॉस क्या आया, बाकियों के अलॉन्ग 90 की वजह से जीरो, 90 की वजह से जीरो, और एक में करंट जीरो, इसलिए जीरो है ना। तो सिर्फ हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड बचेगी वो किसकी वजह से बचेगी, सिर्फ और सिर्फ पी क्यू की वजह से, जो कि बी डॉट डी एल का डॉट प्रोडक्ट खुला तो बी डी एल की लेंथ को एल लिख देंगे सीधा इंटीग्रेशन सॉल्व करके, तो ये हमारे पास एल आ गया। तो ये हमारे पास नेट मैग्नेटिक फील्ड आया कि पी क्यू आर एस के अलॉन्ग जो मैग्नेटिक फील्ड निकला है बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल एंड म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। यही होता है फॉर्मूला एम्पियर सर्किटल लॉ के अकॉर्डिंगली, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। टोटल करंट कितनी आएगी, म्यू नॉट एन आई टाइम्स एल। एन क्या था, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो म्यू नॉट टाइम्स एन आई इज द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द लेंथ एल टाइम्स आई। समझ में आया, ये पता चला बच्चे, n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ थे, l गिवन लेंथ था, i करंट से मल्टीप्लाई किया तो ये टोटल हमारे पास करंट की वैल्यू आ गई। तो बी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई एल, एल से l कटा, b की वैल्यू आ गई म्यू नॉट एन आई, और ये सेम वही म्यू नॉट एन आई है जो हमारे पास किसी मैग्नेट के लिए निकलता था। अगर हम सोलेनोइड को कंसीडर करें तो सोलेनोइड बिल्कुल एक बार मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो यहां पर हमारे पास n है टोटल नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, यही वैल्यू मैंने यहां सब्स्टिट्यूट करी तो बी की वैल्यू म्यू नॉट एन बाय एल इनटू आई आ गया। डन है, किसी बच्चे को इसमें परेशानी, तो एल के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। लेकिन यहां देखो, अगर हम सोलेनोइड को बनाएंगे तो सोलेनोइड में एल बाय टू तक, यहां से यहां तक और यहां तक बिल्कुल सेम मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जा रही है जब तक वो सोलेनोइड के अंदर अंदर है। अगर हम सोलेनोइड बना लेते हैं ऐसे, तो जब तक ये सोलेनोइड के अंदर अंदर की बात कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है, लेकिन जैसे ही अब उसके बाहर जाएंगे तो वो इनवर्सली रिलेटेड हो जाएगी। क्लियर है, किसी को परेशानी बचा इसमें, ठीक बात है, डन। ये हमारा सोलेनोइड होता है। फिर आता है टोरॉइड, वैसे आउट ऑफ सिलेबस है,
टॉरिड स्पेसिफिकली मतलब मेंशन नहीं है एनसीईआरटी के सिलेबस में, लेकिन अगर करें तो कुछ बहुत ज़्यादा इसमें है नहीं ऐसा कि भाई इसको छोड़ देना चाहिए। टॉरिड और सोलेनॉइड में कुछ खास फर्क है नहीं। सोलेनॉइड क्या होता है, सीधा। अब इसी सीधे को अगर घुमा के हम सर्कल की फॉर्म में ले आए, समझ रहे हो, एक क्या है हमारे पास ऐसे ऐसे कॉयल है स्प्रिंग जैसी, अब उनको मैंने उसके दोनों एंड्स को जोड़ दिया तो टॉरॉइड बन गया ऐसा, ठीक है, बात समझ में आई, तो इसको टॉरॉइड कहते हैं। अब टॉरॉइड के अंदर भी अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड निकालूंगा तो तीन सरफेस, तीन बेसिकली पॉइंट्स होंगे, एक कौन सा टॉरॉइड के अंदर, एक टॉरॉइड के ऊपर और एक टॉरॉइड के बाहर। अंदर कोई करंट नहीं है, सरफेस पे सिर्फ करंट है, बाहर कोई करंट नहीं है, तो दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगी, जीरो। तो सिर्फ इस वाले पॉइंट के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड निकल जाएगी हमारी, सोलेनॉइड जैसा ही केस हो गया बिल्कुल, है ना। तो ये हमारे पास भी जो मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी वो क्या निकली, म्यू नॉट एन आई, सेम जो सोलेनॉइड के लिए निकली थी। समझ में आ गई ये बात, क्लियर है बच्चा, ठीक है। ये हमारा टॉरॉइड होता है, तो एटलीस्ट तुम्हें रिलेशन मेन फॉर्मूला वो तो याद होना चाहिए, और कुछ खास टफ नहीं है, डेरिवेशन चलो अब मत करना, लेकिन ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, डन। इसके बाद का जो हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इनसाइड अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट टाइप का हो जाएगा। तो जो इसके अंदर बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन है बच्चा वो अपने खत्म करके रखेंगे, ठीक है, बाय।